उसके दरवाजे पर दो साधु और साथ में एक भूखा शेर लेकर के आ जाते हैं बाबा साहब, और तीन वचनों में उनके इकलौते पुत्र, उनके जिगर के टुकड़े, उनके बेटे धीरज ध्वज को वचन लेकर के उस शेर के भोजन के लिए मांग लेते हैं। आज जब इस बात का पता राजा मोरद ध्वज की पत्नी रानी विद्याधरणी को पता चलता है तो एकदम से रो पड़ती है, पछाड़ खा करके गिर जाती है, कहने लग जाती है कि महाराज, अरे मेरा बेटा कोई चीज या कोई वस्तु तो नहीं था जो कि आपने उसे दान में दे दिया। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को चीर नहीं सकती। सुनिएगा किस प्रकार से रानी विद्याधरी का क्या है। लाढ़िले किसीस पे, लाढ़िले किसीस पे, और कैसे मैं चलाऊं आज है, कैसे मैं चलाऊं आज क्यों, तेरा प्राण प्यारा मेरा प्राण प्यारा, तेरा प्राण प्यारा मेरा प्राण प्यारा, अरे
मैं करूं तो क्या करूं, सुने का अंतिम मंत में क्या कहने लगी, हाय बचन कैसे प्रीतम का, हाय बचन कैसे प्रीतम का, बचन कैसे प्रीतम का विधाता मिटा लूं, अरे हाथों से बेटा कैसे, हाथों से बेटा कैसे वचन कैसे प्रीतम का विधाता मिटा लूं, अरे हाथों से बेटा कैसे मैं चीर डालूं, क्यों भैया, हाय फंसी मेरी नैया, हाय फंसी मेरी नैया, आज फंसी मेरी नैया बीच धारा, फंसी मेरी बीच धारा, तेरा प्राण प्यारा, मेरा प्राण प्यारा।